तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और ये वाला वीडियो होने वाला है लद्दाख की तैयारियों को लेके। आज 12 जून है और मैं जाऊंगा परसों 14 जून को लद्दाख। तो जिस टाइम मैं ये तैयारियां कर रहा था उस टाइम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या क्या लेके जाने वाले हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को लेके एक वीडियो बनाते हैं। तो मैंने सारा सामान यहाँ पर लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ और क्या क्या ज़रूरी सामान है ले जाने के लिए। तो ये है वो सारा सामान जो मैं लेके जाने वाला हूँ, एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है मेरा हेलमेट, ये MT का हेलमेट है। उसके बाद राइनॉक्स की राइडिंग जैकेट है और नी गार्ड है। सेफ्टी आपको सबसे पहले है तो इसलिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए नी गार्ड है, ये नी गार्ड हैं दोनों। इसके बाद राइडिंग ग्लव्स हैं, ये रहे। इसके बाद विंटर के लिए ग्लव्स हैं, सर्दियाँ क्योंकि ज़्यादा होंगी। और ये सैडल बैग हैं, बाइक के दोनों साइड लगते हैं। सारा जो सामान है, जितना भी ये सारा सामान है, सारा इस वाले बैग में आ जाएगा, इन दोनों में। और एक छोटा बैग और है मेरे पास, एक ही टैंक बैग है जो कि टैंक पे आएगा। कैमरा के जितना एसेसरीज वगैरह है वो सब इसमें आ जाएगी। गम बूट्स हैं, क्योंकि राइडिंग बूट मैंने नहीं लिए क्योंकि बजट का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो गम बूट्स हैं, बढ़िया काम करेंगे। कुछ टूल्स हैं चेन वगैरह टाइट करने के लिए गाड़ी की। उसके बाद कपड़े हैं, तो कुछ 12 से 15 दिन का टूर होगा तो उसके लिए मैंने रखी हैं 3 जीन्स रखी हैं मैंने यहाँ पर हैं। और इनर सेट हैं 2 सेट, कुछ अंडरगारमेंट्स हैं, एक विंटर जैकेट है, एक विंडशीटर है, एक हुडी है, 3 टी-शर्ट्स हैं और रेनकोट है, क्योंकि बारिश तो मुझे पक्का पता है कि ज़रूर मिलने वाली है, तो रेनकोट है। टॉवल है यहाँ पर ही, आपका सॉक्स हैं वुलन, ये फर्स्ट एड किट है, इसमें वोलिनी वगैरह, ORS, इनो, डिटॉल, दवाइयाँ, सर दर्द, पेट दर्द, जो भी है। उसके बाद ये मॉड्यूल का लुब्रिकेशन करने के लिए, चेन लुब्रिकेशन करने के लिए चेन ल्यूब और चेन क्लीनर है। और कुछ टेप, फेविक्यूक, एम सील ज़रूर रखना अगर आप जा रहे हो तो, एम सील बहुत ज़रूरी है। एक सीज़र है और ये अपना नहाने धोने का सामान जिसमें डीओ है, सनस्क्रीन है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद आपका कुछ खाने पीने के लिए मैगी वगैरह, ये स्टोव है एक, ये इसके सिलेंडर्स हैं, और ये अपना सनग्लासेस, और इधर अपना कुछ कैमरा डिपार्टमेंट है जिसमें 2 पावर बैंक हैं, एक 20,000 mAh का है, एक 10,000 mAh का है, तो बिजली बहुत जगह पर कम मिलने वाली है तो इसलिए ये दोनों रखा है। उसके बाद ये एक ट्राइपॉड है, सेल्फी स्टिक है, एक गोरिल्ला पॉड है, एक ही अपना DSLR है, GoPro है, जितना भी मोटो व्लॉग शूट होगा वो इसी GoPro से होगा, और ये कैमरे का चार्जर है, फ़ोन का चार्जर है, लैपटॉप है डेल का अपना, बढ़िया चलता है मस्त। और इधर आ जाते हैं, एक ये लाइलन रो है, एक थर्मोस्टील की बोतल है पानी ठंडा या गर्म रखने के लिए, और ये सबसे, इस पूरे सामान की सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है, क्योंकि ये एक्सटेंशन कम जुगाड़ ज़्यादा है, ये बनाया एक फ्रेंड ने, सौरभ ने, कल रात बैठ के उसने ये बनाया मेरे लिए, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा था रात को, क्योंकि जाने का प्लान मेरा आज का था तो आज मैं नहीं जा पाया, तो अब प्लान परसों का बनाया है, तो अब जाना है परसों, सुबह सुबह निकल जाएंगे परसों। आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर मिलती रहेगी, अगर वहाँ फॉलो नहीं करते हो तो स्क्रीन पर आईडी आ रही होगी, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना। जहाँ भी नेटवर्क आ रहे होंगे वहाँ मैं अपडेट ज़रूर करता रहूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ। और बाकी कुछ और भी काम थे सर्विस वगैरह के गाड़ी की, वो मैंने करवा लिए थे, सर्विस करवाई गाड़ी की, उसमें क्लच प्लेट डली, चैन सेट वगैरह डला, वो सब हो गया, सब क्लियर है, सब कुछ काम हो चुका है। टायर डलना था, एक टायर भी गाड़ी में डल चुका है, रियर टायर डालना था। उसके साथ ही मैंने कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह कैरी किए अपने साथ, जैसे कि क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर, स्पार्क प्लग वगैरह, और ट्यूब, दोनों टायर्स की ट्यूब मैंने कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि कभी भी पंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पंचर लगाने वाला नहीं मिला तो ट्यूब चेंज कर लेंगे। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।